हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम फ्रंट व्हील के अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हमारा ट्रैक्टर का या कोई और गाड़ी का अलाइनमेंट अगर सही नहीं हुआ तो क्या होता है, टायर वो एक तरफ से ज़्यादा घिसते हैं, दूसरी तरफ से वो नहीं घिसते, एक तरफ ज़्यादा मोड़ कर चलते हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ की गुड्डी देखिए कितनी बड़ी है, और यहाँ की देखिए कितनी ऐसी पूरी ऐसी उतर चुके है, ये यहाँ से ऊपर है और यहाँ से पूरी डाउन हो चुकी है। तो ये इस तरह से इस तरह ज़्यादा ये टायर घिस रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों। ऐसे मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह भी ये थोड़ी थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम घिसा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से सही है, लेकिन उस साइड का बहुत ज़्यादा घिस चुका है। तो दोस्तों उसका क्या कारण है हमारे यहाँ पे, तो देख सकते हैं हमारे सेंटर पिन का जॉब निकल चुका है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए पूरी रगड़ खा चुकी है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, और इधर की देखिए, ये पूरे सेंटर पिन का जॉब आ चुका है, तो हमें इसे सेंटर पिन का जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही टायर खाते रहेंगे। तो दोस्तों उसका एक कारण हो सकता है ये सेंटर पिन, और दूसरा हो सकता है हमारे ट्राइन रोड के बारे में सेटिंग सही से नहीं होना, तो उसका ये एक भी कारण हो सकता है, हमारा टायर एक तरफ से ज़्यादा खा रहा है। तो दोस्तों अलाइनमेंट ठीक नहीं होने के कारण टायर बहुत बड़े नुकसान हो सकता है। देखिए या कि अंदर वाली गुड्डी कैसे निकल चुकी है, फट रही है, ये देखिए यहाँ पे नया टायर एक ही सीजन निकला हुआ है, और ये टायर की हालत ये हो चुकी है। तो हमारे टायर की लाइफ पे ज़्यादा बढ़ाने अच्छी तरह से और ज़्यादा रहे, तो हमें ट्रैक्टर के या कई अन्य वाहन के अलाइनमेंट सही से होना बहुत ज़रूरी है और लाजमी है दोस्तों। तो हो सके तो ऐसी प्रॉब्लम आपके ट्रैक्टर पे है, ट्रैक्टर में है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका अलाइनमेंट करना होगा, करके लीजिएगा दोस्तों। हमें अलाइनमेंट आता है, लेकिन हमें ये हमारा ट्रैक्टर का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर पिन का प्रॉब्लम है। अगर ये सेंटर पिन ठीक से वर्क हो चुका तो दोस्तों ये टायर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों हमें तो हमारे ट्रैक्टर पे सेंटर पिन का जॉब करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर पिन का भी। तो ये देख सकते हैं सेंटर पिन उठ चुकी है, आपको दिखेगी या नहीं ये बताए। तो दोस्तों बस इतना ही था, आपका वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको हमें आपकी राय हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।